यूसीसी का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को मिलने के बाद राज्य में अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार से मांग की है कि यूसीसी का ड्राफ्ट जल्द से जल्द विपक्षी दलों को भी उपलब्ध करवाया जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि वैसे तो यूसीसी केंद्र का मुद्दा है, राज्य के इसका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार इस राज्य में लागू करने की तैयारी कर रही है। वहीं करण महारा ने साफ कहा कि यदि यूसीसी में किसी के अधिकारों का हनन नहीं हुआ तो कांग्रेस इसका समर्थन करेगी, यदि किसी के अधिकारों का हनन हुआ तो कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध भी करेगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आज यूसीसी का ड्राफ्ट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि पुष्कर सिंह धामी समय रहते हुए कल तक उसे सभी पक्ष और सत्ता के विधायकों तक पहुंचवा देंगे और विपक्षी दलों को भी उसको पहुंचवाएंगे, पत्रकार और बुद्धिजीवी तक उसको पहुंचाएंगे, ताकि प्रदेश में इस महत्वपूर्ण बिल पर सार्थक बहस हो सके। वैसे ये यूसीसी जो है केंद्र का मसौदा है, ये राज्य से इसका लेना देना नहीं। अगर उत्तराखंड में लागू हुआ और बगल में हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ तो ऐसे मसौदे का कोई फायदा नहीं होने वाला। यहाँ हमारी कुछ चिंताएं हैं। हम जानना चाहते थे इस ड्राफ्ट में एससी, एसटी, ओबीसी, हमारे माइनॉरिटी, हमारे जो थारू बोक्सा जनजाति के लोग हैं, हमारे जो जौनसार के लोग हैं, भुटिया जनजाति के लोग हैं, आदिवासी हैं, उनके अधिकारों में इसका कितना अतिक्रमण हो रहा है।